जूही अपार्टमेंट बी ब्लॉक तालपुरी के रहवासी अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ किराएदारों व मकान मालिकों की हरकतों से परेशान हैं, जिससे अपार्टमेंट के सभी जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसके लिए निर्णायक बैठक समिति के पदाधिकारियों द्वारा नियमों को उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का मन बनाया गया है। तालपुरी जूही अपार्टमेंट बी ब्लॉक के रहवासी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण आर्थिक संकट बताया गया है, जिससे सभी जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अपने मकानों को किराए में देकर किराए वसूल रहे मकान मालिक भी समिति को निर्धारित संधारण शुल्क की राशि अदा नहीं कर पा रहे हैं, राशि देने में हील हवाला किया जा रहा है। वहीं कई किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तालपुरी में किराएदारों की भरमार है, मकान मालिक केवल किराया लेने तक ही सीमित रह गए हैं, जिससे किसी अनहोनी की आशंका भी यहाँ निवासरत मकान मालिकों में बने रहती है। हर महीने निश्चित राशि समिति को नहीं मिलने से बी ब्लॉक जूही अपार्टमेंट के अनेकों कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जूही अपार्टमेंट को ऑपरेटिव सोसाइटी बी ब्लॉक के पदाधिकारियों ने इसे लेकर बेहद आक्रोश है। सोसाइटी के अध्यक्ष डी रेड्डी, रहवासी सुरेंद्र वर्मा, एसपी डे एवं श्रीमती माघवी ने यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रमुख रूप से मेंटेनेंस की बात है, जो मकान मालिक और किराएदार के बीच में टाइप होता है, और कुछ मकान मालिक लोग किराएदार को बोल देते हैं, भाई मेंटेनेंस राशि आपस में दिया जाए, और कुछ लोगों से कोई लेन देन नहीं है, वो सीधा हमको दो हम देंगे, मकान मालिक को बयान रहता है। तो आप वसूली नहीं करते हो, हमको आरोप लगाते हैं, अपने किराएदार को दे के अपने किराएदार से पैसे लेके हमको बता आरोप लगाते हैं, जबकि यहाँ 240 मकान है, 240 मकान में हर मकान से 1,000 रुपया आना है, टोटल 2,40,000 रुपया आना है, जो लगभग मेरे को 1.5 लाख रुपया खर्चा होता है, और पैसे ही नहीं आता, 1,20,000 घर घर जाके मांगता हूँ तब जाके आता है, कुछ कड़ाई करता हूँ तो फालतू बदमती से बात आती है, फालतू बातें करते हैं। हम तो नोटिस इशू करने का निर्णय लिया है, लेकिन मैं इसलिए नहीं रोक के रखा हूँ कि आप देंगे तब देंगे, रेड्डी साहब फ़ोन करते हैं कि तो रेड्डी साहब कल दे देंगे, अगले बार डाल देंगे, अगले महीने दे देंगे, तकले ये सब ऐसे ही चलता रहा, और आज तक वही रूप आया है। मकसद मेन पैसा आ जाए, जो लिपटे बंद है, बंद किया नहीं गया है, खराबी की वजह से बंद है, उनको भी मालूम है, एक एक लिफ्ट में, एक एक बिल्डिंग में, एक एक लिफ्ट पहले से खराबी वजह से बंद पड़ी है, और दूसरा जब बंद हो जाएगी, नौबत आएगी, तो ये समस्या आएगी, तो उसमें मेंटेनेंस राशि आप बराबर देते, दे के बात करते तो अच्छा लगता, दो चार लोग देते सर, दो चार लोग दे रहे भी, ऐसी बात नहीं है, और 240 दो चार लोग देगा तो काम मेरा कहाँ कैसे चलेगा बताइए, और मकान मालिक अपना रुतबा रखता है, पैसा मेरे को मिलकर लेने देना नहीं है, ऊपर से बोलता आप वसूली नहीं कर रहे हो। यहाँ जितने भी मकान मालिक हैं वो जानबूझ के अवैध रूप से किराएदार को रखते हैं, उनका मकसद क्या है ये नहीं मालूम। यहाँ यदि किराएदार को रखता है तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, सोसाइटी में एक कॉपी देना चाहिए, सोसाइटी के अध्यक्ष को, संचालक मंडल को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि मेरा किराएदार इस दिन से यहाँ है, आपको इससे मेंटेनेंस लेना है या मेंटेनेंस मैं दे रहा हूँ। ये सब नहीं करते, कुछ असामाजिक तत्व यहाँ है जो छुपे हुए हैं, इसीलिए उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराए। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन कराए, और जो भी अनर्गल रह रहे हैं उसको उठा के ले जाए, यही मैं निवेदन करता हूँ। पुलिस मौखिक रूप से बोला था कि पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, और हमने कई बार व्हाट्सएप में मकान मालिकों को भेजा कि आप पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, ये पुलिस प्रशासन का आदेश है करके, लेकिन उसको भी अनदेखा किया गया, और ये अनदेखा एक बार नहीं, जानबूझ के बार बार किया, और पुलिस प्रशासन बार बार हमको बोले भी कि आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन कराइए करके, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, हम तो यहाँ के रहवासी है, और रहवासी होने के नाते जो जूही प्रकोष्ठ अधिनियम है, मैंने बहुमंजिलीय मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का जो अधिनियम है, उसके तहत यहाँ एक सोसाइटी बनी है, और सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी सोसाइटी के अध्यक्ष से कई बार ये शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ अव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है। हम सब तो मेंटेनेंस देते हैं, कुछ बिल्डिंग ऐसे हैं जहाँ पे पूरा मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंग यहाँ ऐसे हैं जहाँ अधिकांश किराएदार लोग रहते हैं, कई जगह किराएदार देते हैं लेकिन कई जगह हमें ये सुनने को मिलता है कि वो दे नहीं रहे, और इसकी वजह से धीरे धीरे अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। एक और शिकायत जो हम लोगों की है, अधिकांश रहवासियों का है, वो ये है
कि यहाँ पे जो बाहर से आके निवास कर रहे हैं मकान मालिकों के अलावा किराएदार के रूप में, उनका कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। और बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के यहाँ अगर कभी कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, तो एक अलग तरह की समस्या आएगी। इसीलिए भी हम लोग यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ की प्रबंधकारिणी से यह मांग किए हैं कि आप कृपया इस चीज़ को सुनिश्चित कीजिए कि पुलिस वेरिफिकेशन वाले कार्य किराएदार ही यहाँ पर रहें। हम लोग, हम यहाँ के रहवासी हैं, हम तो हम मतलब साल के पहले ही हम मेंटेनेंस दे देते हैं, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम होता है जिन लोग नहीं देते हैं, तो उनकी वजह से क्या है कि मतलब दूसरे दूसरे प्रॉब्लम, जैसे मेंटेनेंस नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और है बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, उनके कारण प्रॉब्लम होता भी है। पर अब वो क्या है कि मतलब हम लोग भी वो सब चीज़ों को बार बार बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहब से, बाकी लोगों से भी हम लोग बोलते हैं, वो कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पे आके सब कुछ ठीक ठाक कर ले करके, जितना कर पाते हैं वो लोग कर पाते हैं, बाकी तो फिर दिक्कत जाता ही है। बाकी हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे रह रहे हैं और हमारा परमानेंट है यहाँ रहना, तो एक मतलब बहुत अच्छा एक वातावरण रहे, एक अच्छा माहौल रहे, ताकि हम लोग भी एकदम अच्छे से वहाँ पे रहना और सब कुछ कर सकते हैं, यही हम भी चाहते हैं। बहरहाल जूही अपार्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी तालपुरी बी ब्लॉक के रहवासियों ने मासिक संधारण शुल्क और अन्य मुद्दों को लेकर शीघ्र बैठक करने की बातें कही हैं, जिसके बाद आगे की योजना तैयार की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।